गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ। ये है भाईलीपुर। भाईलीपुर जो एरिया है आपको ये मिलेगा, आपको अगर पुरी आप आओगे, पुरी आने के बाद आपको चंदनपुर आना पड़ेगा। चंदनपुर से ये 10 किलोमीटर का दूर है और यहाँ से ये जो रोड है मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी मस्त नज़ारा है। और ये पेड़ पौधे बहुत दिनों से लगा हुआ है। ये रोड तो हो गया 20-30 साल, इसको रोड को पुराना हो चुका है रोड। और इससे बहुत दिन पहले जब ये रोड बना हुआ था, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ था, दोनों साइड में ये प्लांटिंग हुआ था, प्लांटेशन हुआ था, तभी आज ये मज़ा आ रहा है। ये इतना नज़ारा अच्छा बना हुआ है। ये रोड जो है मेरा घर से कुछ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं ओवर द साइकिल में आया हूँ और साइकिल मेरा वहाँ रखा हुआ है, साइकिल पेड़ के पास। और ये जो रोड है मैं उधर से आया हुआ हूँ, उधर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीन का मज़ा लेने के लिए। और ये जो रोड है मैं इधर देखा हूँ, ये रामेश्वर, आपको किसी को जाना हो इस रोड पे अगर आ रहे हैं, रामेश्वर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। रामेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और निराकरपुर 22 किलोमीटर दूर है। और रामेश्वर जो है, मैं बता दूँ आपको, रामेश्वर है एक NH5 के पास है, टोल गेट NH5 के पास में ही है। तो अगर बैरमपुर से आ रहे हो तो आपको बैरमपुर से आते हुए आपको बालूगाँव, चांदपुर, इससे आने के बाद आपको रामेश्वरम पड़ेगा। रामेश्वर के पास आपको राइट टर्न लेके इस रोड पे आना पड़ेगा। ये जो रोड है आपको पुरी को कनेक्ट होता है, आपकी ये रोड है, ठीक है। ये रोड काफ़ी क्राउडेड रहता है जब रथ यात्रा होता है। कोई अगर साउथ की तरफ से आते हैं, हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलोर की तरफ से अगर ओवर द रोड आ रहे हैं तो इस रोड पर आपको आना पड़ेगा। ये रोड के साइड में गाँव, मतलब रोड के साइड ऐसे आपको पौधे मिलेंगे, पेड़ पौधे। ये रोड में काफ़ी, ये रात के टाइम में थोड़ा सा सुनसान रहता है, रात के टाइम जिससे ठीक है, मतलब गांव के एरिया है, मतलब थोड़ा सा तो डिस्टेंस मिलेगा ही। ये यहाँ पे हम लोग का गांव क्या आता है, होता है कि आप यहाँ पे गांव है और 3-4 किलोमीटर की दूर और एक गांव है, ठीक है। और इधर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इधर यहाँ पे कोई गांव ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नदी है और रोड है और ये इलेक्ट्रिक पोल देखिए, मतलब काफ़ी दूर से गया हुआ है। और कोई नॉर्मल कोई अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, सामान सारे मतलब कैरी करते हैं, पूरी से लेके यहाँ से अगर कोई निराकरपुर से लेके आएगा, कोई पूरी से लेके गाँव, नॉर्मल गांव में जो सब कुछ सेल वगैरह करते हैं, कुछ सामान हो गया, घर का राशन वगैरह हो गया, कुछ जो भी मतलब घर का हार्डवेयर वगैरह जो भी सामान हो गया। तो ये रोड है, इवनिंग के टाइम पे आप आओगे इस रोड पे, आप अच्छा सा कैमरा लेके आना, काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। और यह है ये रोड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अगर मैं बात करूँ 2019 का, 2019 में ये काफ़ी अच्छा था। एक हम लोग का यहाँ पर उड़ीसा में एक आया था साइक्लोन फनी जो आया था, यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रॉय करके गया। यहाँ पे मतलब 3-4 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं और ये सारा टूटा हुआ था। ये जितना सारा पेड़ आप देख रहे हो सारा टूटा हुआ था, ये फिर से ग्रो हुआ है। काफ़ी थोड़ा सा वो प्रीवियस कंडीशन को बैक किया है, बट और भी थोड़ा सा इसको और ग्रो करना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा नेचर है आसपास में, जब आप गाँव में हो जिस दिन जितना टाइम मिलता है ट्राई करो कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आप पहले नहीं कर पाते थे कोरोना की वजह से। आप घर से काम कर रहे हो तो आप यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये आपका है भाईलीपुर एंड ये काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे मैंने जितना देखा है, कुछ नॉर्मल उड़ीसा में जो अगर जो होता है, कोई सेलिब्रेट लोग आते हैं इधर ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मल एल्बम वगैरह बनता है उड़िया में, फेमस एल्बम वगैरह, मूवी वगैरह कोई सीन होता है यहाँ पर, कभी कभी ये लोग यहाँ पर शॉट लेते हैं। दिस इज़ माई एरिया, ये मेरा एरिया है दोस्तों। ये है पुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करूँ पुरी जाने के लिए, मुझे पड़ेगा कुछ 10 किलोमीटर चंदनपुर से पुरी हो गया मेरे को। अभी पुरी मुझे पड़ेगा कितना मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अगर ट्रैवल करूँ तो पुरी जो है, यस,